आपको वॉइस और बोर्ड क्लियर है? चैट बॉक्स में बताएं आप लोग को वॉइस क्लियर है और बोर्ड क्लियर है? स्क्रीन नजर आ रही है क्लियरली? अपना माइक ऑन करके बता दीजिए, आपको वॉइस क्लियर है? है, तो आज हम नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एनसीईआरटी के जितने भी क्लासेस हैं, 9th 10th 11th जितनी भी सीनियर सेकेंडरी क्लासेस हैं, हम उसके बारे में और उनके जो जितनी भी आपकी उर्दू की किताबें हैं उनके जितने भी सिलेबस है वो आप आने वाले दिनों में कवर अप करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी एक बहुत ज्यादा मजबूत बेस है, चाहे वो कोई भी फील्ड का कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। ठीक है, फिलहाल हम उर्दू की बात करते हैं, तो आपको उर्दू की फील्ड में, टीचिंग की फील्ड में, या आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या आगे किसी भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या आगे कहीं भी बहुत सारे एजुकेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, अगर कहीं भी उर्दू है तो आपका जो बेस है वो एनसीईआरटी से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, एनसीईआरटी ही एक प्रॉपर बेस है जिससे आपका आगे का एक जैसे घर बनता है, घर पे पहले नींव डलती है, नींव के बाद ही घर पे ऊपर पूरी बिल्डिंग तैयार होती है। ठीक है, अगर घर में नींव अच्छे से नहीं डलेगी नीचे जमीन में, तो जो ऊपर जो बिल्डिंग तैयार हुई है वो आने वाले शायद कुछ साल में गिर जाएगी, लेकिन अगर नींव अच्छी भरी हुई होती है तो वो सालों साल खड़ी रहती है, 50 साल 100 साल। ठीक है, उसी प्रकार कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी भी आपका वो नींव है, यानी आपकी अगर नींव मजबूत होगी तो आपकी बिल्डिंग ऑटोमेटिकली आपकी वो बिल्डिंग भी मजबूत होगी, आपकी नींव यहाँ से मजबूत होना शुरू हो जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी नींव और आपकी जो भी तालीम है एनसीईआरटी से रिलेटेड वो हम यहाँ पे कंप्लीट करवा दें। ठीक है, तो आज हम नवाए उर्दू यानी आपकी 9वीं जमात की पहली किताब नवाए उर्दू के नाम से, जिसका पहला चैप्टर है जिसके पहले चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है गुजरा हुआ जमाना। गुजरा हुआ जमाना किन शख्स ने लिखा था? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, और उनकी पैदाइश और वफात का जो टाइम है वो है, उनकी पैदाइश हुई थी 1817 में और उनकी वफात हुई थी 1898 में, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, सर सैयद अहमद खान की पैदाइशी साल कौन सा है? 1817, और उनकी वफात का साल कौन सा है? 1898। आगे चलते हैं। सर सैयद अहमद खान दिल्ली में पैदा हुए। सैयद अहमद खान ने अपने जमाने के अहले कमाल से फैज हासिल किया। 1839 में उन्होंने अंग्रेजी सरकार की मुलाजमत इख्तियार की और मुख्तलिफ मुकामात पर काम किया।
1862 में जब वो गाजीपुर में थे, उन्होंने एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। इस अंजुमन का मकसद ये था कि मुख्तलिफ अलूम, खासकर साइंस के अलूम का मुताले किया जाए और उन अलूम को हिंदुस्तानियों में आम किया जाए। 1869 में सैयद अहमद खान ने एक साल के लिए इंग्लिस्तान गए। वापस आकर उन्होंने अंग्रेजी की इल्मी और समाजी रिसालों की तर्ज पर अपना एक रिसाला तहजीब अल इखलाक निकालना शुरू किया। ठीक है, आगे चलते हैं। इंग्लिस्तान से वापस आकर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में 1875 में एक स्कूल खोला। ये जितनी भी तारीखें हैं ये आप लोग याद रखिएगा, आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव, जितने भी आप बड़े लेवल पे जब पढ़ाई करना शुरू करेंगे वहां पर आपको ये तारीखें याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। एनसीईआरटी का लिखा हुआ कहीं पे भी नकारा नहीं जाता है। जो चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो उसे ही सबसे ज्यादा सही और 100% राइट माना जाता है। चाहे आप बीएड में चले जाएं, चाहे आप सीटेट कर लें, चाहे आप ग्रेजुएशन की फील्ड में चले जाएं, चाहे आप मास्टर्स की फील्ड में चले जाएं। ठीक है, तो ये तारीखें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 1875 में एक स्कूल खोला। यह स्कूल 1878 में मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और फिर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में हिंदुस्तान का एक नुमाया तालीमी इदारा बन गया। ठीक है, 1878 में सैयद अहमद खां को सर का खिताब मिला, इसलिए लोग उन्हें सर सैयद के नाम से जानते हैं। सर सैयद आखिर उम्र तक कौमी काम, कॉलेज की देखभाल और तस्नीफ व तालीफ में मशगूल रहे। उनकी मुतअद्दद तसानीफ में असार सनादीद, इसबाब बगावत हिंद और सरकशी जिला बिजनौर खास तौर पर अहमियत रखती है। उनकी मुजामीन कई जिल्दों में मजलिस तरकी अदब लाहौर से शाये हुए हैं। उनमें साइंस, फिलॉसफी, मजहब और तारीख से मुतालिक मुजामीन है। ठीक है, ये आप याद रखेगा ये तारीखें वगैरह। नेक्स्ट चलते हैं। जदीद उर्दू नसर की बुनियाद डालने के साथ साथ सर सैयद ने उर्दू के मुख्तसर मजमून निगारी को भी फरोग दिया। लंबी लंबी तहरीरों की बजाय चंद सफाहत में काम की बात कहने का फन सर सैयद ने आम किया। सर सैयद अपने जमाने के मुफक्कर और मुसलह थे और उनकी नसर में वही वजन और वकार है जो उनकी शख्सियत में था। ये थी उनकी हालात जिंदगी जो आपको एक सफे में पूरी उन्होंने लिख दी है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी वालों ने अच्छे से उसमें बता दी है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब ये सर सैयद अहमद खां का इंशाया है। ठीक है, ये इंशाया है उनका गुजरा हुआ जमाना। ठीक है, ध्यान से साथ में पढ़िएगा। बरस की आखिर रात और एक बुढ़ा अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है।
रात भी डरावनी और अंधेरी है, घटा छा रही है, बिजली तड़प तड़प कर कड़कती है, आंधी बड़े बड़े जोर से चलती है, दिल कांपता है और दम घबराता है। बुढ़ा निहायत गमगीन है, मगर उसका गम न अंधेरे घर पर है, न अकेलेपन पर और न अंधेरी रात पर और बिजली की कड़क और आंधी की गूंज पर, न बरस की आखिर रात पर। वो अपने पिछले जमाने को याद करता है और जानता, और जितना ज्यादा याद आता है इतना ही ज्यादा उसका गम बढ़ता है। हाथों से ढके हुए मुंह पर आंखों से आंसू भी बहे चले जाते हैं। ठीक है, पिछला जमाना उसकी आंखों के सामने फिरता है, अपना लड़कपन उसको याद आता है, जबकि उसको किसी चीज का गम और किसी किसी बात की फिक्र दिल में ना थी। रुपए अशरफी के बदले रियोड़ी और मिठाई, रेवड़ी और मिठाई अच्छी लगती थी। सारा घर, माँ बाप, भाई बहन उसको प्यारे प्यार करते थे। पढ़ने के लिए छुट्टी का वक्त, जल्द आने की खुशी में किताबें बगल में लिए मकतब में चला जाता था। मकतब का ख्याल आते ही उसको अपने हम मकतब याद आते थे। वो ज्यादा गमगीन होता था और बेइख्तियार चिल्ला उठता था, हाय वक्त, हाय वक्त, गुजरे हुए जमाने, अफसोस की मैंने तुझे बहुत देर में याद किया। ठीक है, फिर वो अपनी जवानी का जमाना याद करता था, अपने सुर्ख सफेद चेहरा, सडोल ढील भरा भरा बदन, रसीली आंखें, मोती की लड़ी से दांत, अमनक में भरा हुआ दिल, जज्बाते इंसानी के जोशों की खुशी उसे याद आती थी। उसकी आंखों में अंधेरा छाए हुए जमाने में माँ बाप जो नसीहत करते थे, नेकी और खुदा परस्ती की बात बताते थे और ये कहता था, ओ अभी बहुत वक्त है और बढ़ापे के और बुढ़ापे के आने का कभी ख्याल भी ना करता था। उसको याद आता था और अफसोस करता था कि क्या अच्छा होता अगर जब ही मैं उस वक्त का ख्याल करता और खुदा परस्ती और नेकी से अपने दिल को संवारता और मौत के लिए तैयार रहता। आहा, वक्त गुजर गया, आहा, वक्त गुजर गया, अब पछताए क्या होता है, अफसोस मैंने आप अपने हमेशा ये कहा कहकर बर्बाद किया कि अभी वक्त बहुत है। यह कहकर वो अपनी जगह से उठा और टटोल टटोल कर खिड़की तक आया, खिड़की खोली, देखा कि रात वैसी ही डरावनी है, अंधेरी घटा छा रही है, बिजली कड़क से दिल फटा जाता है, हौलनाक आंधी चल रही है, दरख्तों के पत्ते उड़ते हैं और टहनी टूटते हैं। तब वो चिल्ला कर बोला, हाय हाय, मेरी गुजरी हुई जिंदगी भी ऐसी ही डरावनी है जैसी ये रात। यह कहकर फिर अपनी जगह आ बैठा। इतने में उसको अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, आशना याद आए, जिनकी हड्डियां कब्रों में घुल कर खाक हो चुकी थी। माँ को या मोहब्बत से उसको छाती से लगाए, आंखों में आंसू भरे खड़ी है, ये कहती हुई कि हाय बेटा, वक्त गुजर गया। बाप का नूरानी चेहरा उसके सामने है और उसमें से ये आवाज आती है कि क्यों बेटा, हम तुम्हारे ही भले के लिए ना कहते थे,
भाई बहन दांतों में उंगली दिए हुए खामोश है और उनकी आंखों से आंसुओं की लड़ी जा रही है। दोस्त आशना सब गमगीन खड़े हैं और कहते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसी हालत ऐसी हालत में उसको अपनी वो बातें याद आती थी जो उसने निहायत बेपरवाही और बेमुरवती और काज खालकी से अपने माँ बाप भाई बहन दोस्त आशना के साथ बरती थी। माँ को रंजीदा रखना, बाप को नाराज करना, भाई बहन से बेमुरवत रहना, दोस्त आशना के साथ हमदर्दी ना करना याद आता था। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? स्टूडेंट्स क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं? आपको तो स्क्रीन क्लियर है ना, आवाज भी क्लियर है? अच्छा तो ये तो ये फिर फिरोज सर देखेंगे। अच्छा ओके, तो ये जो दिक्कत हो रही है ये फिरोज सर ही देखेंगे, क्योंकि आप ये मैं उन्हें भी इतला कर दूंगी इस बात की कि ऐसे ऐसे बच्चों को परेशानी हो रही है। तो मैं उनको इस चीज का इतला कर दूंगी कि ऐसे ऐसे बच्चों को परेशानी हो रही है, और आप भी सब ये कीजिएगा कि सर को अपनी तरफ से मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि ऐसे ऐसे सर मेरे साथ के जो क्लासमेट्स हैं वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, आप उनको आईडी का, आपको जो भी परेशानी आ रही है बच्चों की, आप वो परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर दें, क्योंकि क्लास मैं 5 बजे स्टार्ट रोज कर दूंगी। ठीक है, किसी रीजन से मान लीजिए मैं बिजी हूं, किसी रीजन से किसी दिन नहीं हुई क्लास, तो वो मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगी, अदरवाइज आपकी क्लास शाम को 5 बजे हुआ करेगी। ठीक है, तो आगे करें। चले और उस पर उंगली, उस पर उन गीली हड्डियों में से ऐसी मोहब्बत का देखना उसके दिल को पाश पाश करता था, उसका दम छाती में घुट जाता था और यह कहकर चिल्ला उठता था कि हाय वक्त निकल गया, हाय वक्त निकल गया, अब क्यों कर उसका बदला हो। वो घबरा कर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा और टकराता लड़खड़ाता खिड़की तक पहुंचा, उसको खोला और देखा कि हवा कुछ ठहरी है और बिजली की कड़क कुछ थमी है, पर रात वैसी ही अंधेरी है। उसकी घबराहट कुछ कम हुई और फिर अपनी जगह आ बैठा। ठीक है, इतने में उसको अपना अधेड़पन याद आया, जिसमें कि ना वो जवानी रही थी और ना वो जवानी का जोवन, ना वो दिल रहा था और ना वो ना दिल के वालों का जोश। उसने अपनी इस नेकी के जमाने को याद किया जिसमें वो बानिस्बत बदी की नेकी की तरफ ज्यादा माहिल था। वो अपना रोजा रखना, नमाजें पढ़नी, हज करना, जकात देनी, भूखों को खिलाना, मस्जिदें और कुएं बनवाना याद कर कर अपने दिल को तसल्ली देता था। फकीरों और दरवेशों को जिनकी खिदमत की थी, अपने पीरों के जिनसे बेहद की थी, अपनी मदद को पुकारता था, मगर दिल की बेकरारी नहीं जाती थी। वो देखता था कि उसकी जाती अहवाल का उसी तक खात्मा है, भूखे फिर वैसे ही भूखे हैं, मस्जिदें टूटकर या तो खंडर हैं
और या फिर वैसी ही जंगल है। कुएं अंधे पड़े हैं, ना फिर और ना फकीर, ना पीर ना फकीर, कोई उसकी आवाज नहीं सुनता और ना मदद करता है। उसका दिल फिर घबराता है और सोचता है कि मैंने क्या क्या जो तमाम फानी चीजों पर दिल लगाया, या पिछले समझ पहले ही क्यों ना सोची सूझी, अब कुछ बस नहीं चलता। और फिर ये कहकर चिल्ला उठा, हाय वक्त मैंने तुझको क्यों खो दिया। वो घबराकर फिर खिड़की की तरफ दौड़ा, उसके पट खुले तो देखा कि आसमान साफ है, आंधी थम गई है, घटा घुल गई है, तारे निकल आए हैं, उनकी चमक से अंधेरा भी कुछ कम हो गया है। दिल बहलाने के लिए तारों भरी रात को देख रहा था कि एक एक उसको आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी और उसमें एक खूबसूरत दुल्हन नजर आई। उसने टकटकी बांध उसे देखना शुरू किया। जो जो वो उसे देखता था वो करीब होती जाती थी, यहाँ तक कि वो उसके बहुत पास आ गई। वो उसके हुस्न जमाल को देखकर हैरान हो गया और निहायत पाक दिल और मोहब्बत के लहजे से पूछा कि तुम कौन हो। वो बोली कि मैं हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी हूं। उसने पूछा कि तुम्हारे तस्खीर का भी कोई अमल है। वो बोली हाँ है, निहायत आसान पर बहुत मुश्किल। जो कोई खुदा के फर्ज उस बदवी की तरह जिसने कहा कि बस, अरबी में लिखा हुआ है ये, ठीक है, अदा कर कर इंसान की भलाई और उसकी बेहतरी में उसकी मैं मुस्कर होती हूँ। दुनिया में कोई चीज हमेशा रहने वाली नहीं है, इंसान ही ऐसी चीज है जो आखिर तक रहेगा। पश जो भलाई के इंसान की बेहतरी के लिए की जाती है, वही नस्ल दर नस्ल आखिर तक चली आती है। नमाज, रोजा, हज, जकात इसी तक खत्म हो जाता है। उसकी मौत उन सब चीजों को खत्म कर देती है। मादी चीजें भी चंद रोज में फना हो जाती हैं, मगर इंसान की भलाई आखिर तक जारी रहती है। मैं तमाम इंसानों की रूह हूँ, जो मुझको तस्खीर करना चाहे इंसान की भलाई में कोशिश करे, कम से कम अपनी कौम की भलाई में तो दिलो जान व माल से साही हो। ये कहकर वो दुल्हन गायब हो गई और बुढ़ा फिर अपनी जगह आ बैठा। अब फिर उसने अपना पिछला जमाना याद किया और देखा उसने अपने पचपन बरस की उम्र में कोई काम भी इंसान की भलाई और कम से कम अपनी कौमी भलाई का नहीं किया था। उसके तमाम काम जाती गर्ज पर मुबनी थे। नेक काम जो किए थे सवाब के लालच और गोया खुदा खुदा को रिश्वत देने की नजर से किए थे, खास कौमी भलाई की खालिस नियत से कुछ भी नहीं किया था। अपना हाल सोचकर वो इस दिले फरेब दुल्हन के मिलने से मायूस हुआ। अपना आखिर जमाना देखकर आइंदा करने की भी कुछ उम्मीद ना पाई। तब तो निहायत मायूसी की हालत में बेकरार होकर चिल्ला उठा, हाय वक्त क्या फिर तुझे मैं बुला सकता हूँ। हाय मैं 10,000 दिनारे देता अगर वक्त फिर आता और मैं जवान हो सकता। यह कहकर उसने एक आह सर्द भरी और बेहोश हो गया। थोड़ी देर ना गुजरी थी कि उसके कानों में मीठी मीठी बातों की आवाज आने लगी। उसकी प्यारी माँ उसके पास आ खड़ी हुई, उसको गले लगाकर उसकी बब्बी ली। उसका बाप उसको दिखाई दिया।
छोटे छोटे भाई बहन उसको इर्द गिर्द खड़े हुए। माँ बाप ने कहा, बेटा क्यों बरस के बरस दिन रोता है, क्यों तू बेकरार है, किस लिए तेरी हिचकी बंद गई है, उठ मुंह हाथ धो कपड़े पहन, नौरोज की खुशी मना, तेरे भाई बहन तेरे मुंतजर खड़े हैं। तब वो लड़का जागा और समझा कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में बुढ़ा हो गया था। उसने अपना सारा ख्वाब अपनी माँ से कहा। उसने सुनकर उसको जवाब दिया कि बेटा बस तो ऐसा मत कर जैसा कि उस पशिमान बुढ़े ने किया, बल्कि ऐसा कर जैसा तेरी दुल्हन ने तुझसे कहा। ये कुछ डिफिकल्ट हैं लफ्ज, मुश्किल लफ्ज थे जो इन शायरियों में, उनके कुछ मतलब। मकतब यानी मदरसा, वो कहाँ जाता था, मकतब जाया करता था, ठीक है। कज खुलकी यानी मिजाज का कड़कपन रूखापन। बेअत करना यानी मुरीद बनना, अतात का ऐद लेना। तस्खीर काबू में करना, फतेह करना। बदवी अरब की वो बाशिंदे जो घर नहीं बनाते, रेगिस्तानों में रहते हैं, ठीक है। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। अब हम इसका सेकेंड चैप्टर भी पढ़ेंगे, जो कि किसने लिखा है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने। इतना क्लियर है, पहला वाला क्लियर है आपको? ओके, तो हम अब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो किसने लिखा है, रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी के जो पैदाइशी है और उनके जो वफात का साल, पैदाइशी साल है उनका 1896, याद रखिएगा, और वफात उनकी हुई थी 1977 में, ठीक है। नाम है रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर के एक कस्बे में पैदा हुए। कहां पर? जौनपुर, एक कस्बे में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम जौनपुर में हासिल की और उसके बाद अहले तालीम की गर्ज से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। एमए करने के बाद वही मुलाजम हो गए। जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शाबा उर्दू कायम हुआ तो रशीद अहमद सिद्दीकी उसके सदर बन गए। उन्होंने अलीगढ़ बहुत अजीज था और उन्होंने सारी जिंदगी वही गुजारी। रशीद अहमद सिद्दीकी ने तालिबे इल्मी के जमाने ही से लिखना शुरू कर दिया था। उनके मुजामीन तंज और जराफत के अहले नमूने हैं। वो अमूमन इशारों, किनायों और चबते हुए जुमलों में अपनी बात कहते हैं। मिलते जुलते लफ्जों और मुतजाद लफ्जों को वो एक नए अंदाज से इस्तेमाल करते हैं। उनके मौजूआत में तन्वय है। मुआशरती, सियासी और अदबी मसाइल पर जब वो कलम उठाते हैं तो उनके तर्ज तहरीर को समझने वाला कारी उनके नुक्ता रसी की दाद दिए बगैर नहीं रहता। उनके यहाँ दिलचस्प फिक्रों, नादर तशबियों, मानी खेजाशारों, बर्जस्ता लतीफों और पुरलत्फ अंदाजे बयान की वजह से निराली अदबी शान पैदा हो जाती है। रशीद अहमद सिद्दीकी को अदबी मिजाज निगारी के मैदान में सबसे पहला और बाज लोगों के नजर में अहम तरीन मुसन्निफ करार दिया जाता है। इन दिनों मुश्ताक अहमद यूसुफी इस तर्ज के
इस तर्ज के बेहतरीन नुमाइंदे हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी की अदबी खिदमात के एतराफ में हुकूमत हिंद ने 1963 में उन्हें पद्मश्री का एजाज अदा किया। उनको साहित्य अकादमी के अवार्ड से भी सरफराज किया गया। उनका इंतकाल अलीगढ़ में हुआ। मुजामिन रशीद मुजाहिया मुजामिन का मजमुआ, खानदा रेडियाई तकरीरों का मजमुआ, गूंज हाय गिरा माया और हम नफसाने रफ्ता यानी खाकों के मजमुए, तंजियात वे मजहकात और जदीद गजल यानी तनकीद और अशाफ्तिया बयानी मेरी खुद नोश्त रशीद अहमद सिद्दीकी की अहम तजनीफ हैं। ये थे उनके हालाते, कुछ हालाते जिंदगी के जो उन्होंने अपने शुरुआत से जो आखिरी टाइम में जो भी उन्होंने इम्पोर्टेंट काम किया उसके बारे में एक छोटी सी समरी। ये रशीद अहमद सिद्दीकी का बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत फेमस इंशाइया है चारपाई। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। चारपाई और मजहब हम हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछोना है, हम इसी पर पैदा होते हैं और यहीं से मदरसे ऑफिस जेल खाने काउंसिल या आखिरत का रास्ता लेते हैं। चारपाई हमारी कुठी में पड़ी हुई है, हम उस पर दवा खाते हैं, दुआ भीख भी मांगते हैं, कभी फिक्रे सुकून करते हैं, कभी फिक्रे कौम, अक्सर फाका करने से भी बाज नहीं आते। हमको चारपाई पर इतना ही एतमाद है जितना बुरतानिया को आईसीएस पर, शायर को काफिया पर या तालिब इल्म को ढूल गुपाड़े पर। चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से दे सकते हैं, ये हर काम के लिए नामोजो होता है, इसलिए हर काम पर लगा दिया जाता है। एक रियासत में कोई साहब विलायत पास होकर आए, रियासत में कोई आसामी ना थी जो उनको दी जा सकती, आदमी सूझबूझ के थे, राजा साहिब के कानों तक ये बात पहुंचा दी कि कोई जगह ना मिली तो वो लाड साहब से तय कर आए हैं राजा साहब ही की जगह पर, राजा साहब ही की जगह पर आक्तिफा करेंगे। रियासत में हलचल मच गई, इत्तफाक से ये रियासत के 16 सज्जन रुखसत पर गए हुए थे, ये उनकी जगह पर तैनात कर दिए गए। कुछ दिनों बाद 16 सर्जन साहब वापस आए तो फालिज गिरा, उनकी जगह उनको दे दी गई। आखिरी बार यह खबर सुनी गई कि वो रियासत के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए थे और अपने वली अहद को रियासत के वली अहद का मुसाहिब बनवा देने के फिक्र में थे। यही हालत चारपाई की है, फर्क सिर्फ ये है कि उन मुलाजिम साहब से कहीं ज्यादा कार आमद होती है। फर्ज कीजिए आप बीमार हैं, सफरे आखिरत का सामान मैसर हो या ना हो, अगर चारपाई आपके पास है तो दुनिया में आपको किसी और चीज की हाजत नहीं। दवा की कुड़िया तकिए के नीचे जो शान देखी देखची, सिरहाने रखी हुई चारपाई से मिला हुआ बोलो बराज का बर्तन, चारपाई के नीचे मेले कपड़े
बच्चों के खिलौने, झाड़ू, आशेजो, रुई के पाए खाइए, रुई के खाइए, कागज के टुकड़े, मच्छर, मच्छर भंगे, घर या मोहल्ले के दो एक बच्चे जिनमें एक आधा जकाम खुसरे में मुक्तिला, अच्छे हो गए तो बीवी ने चारपाई खड़ी करके गुसल करा दिया, वरना आपके दुश्मन उसी चारपाई पर लबे और लाए गए। हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई को ड्राइंग रूम, सोने का कमरा, गुसल खाना, किले, खानका, खेमा, दवा खाना, संदूक, किताब घर, शफा खाना, सबकी हैसियत कभी कभी बेअक वक्त वरना वक्त वक्त पर हासिल रहती है। कोई मेहमान आया, चारपाई निकाली गई, उस पर एक नई दरी बिछा दी गई जिसके तय के निशान ऐसे मालूम होंगे जैसे किसी छोटी सी आराजी को मेंढों और नालियों से बहुत से मुल्कों में बांट दिया गया है। और मेहमान साहब अचकन टोपी, बैग, बक्ची के बैठ गए और थोड़ी थोड़ी देर के लिए ये मालूम करना दुश्वार हो गया कि मेहमान बेवकूफ है या मेजबान बदनसीब है। चारपाई ही पेरान का मुंह हाथ धुलवाया और खाना खिलाया जाएगा और उसी चारपाई पर ये सो रहेंगे। सो जाने के बाद उन पर से मच्छर मक्खी इस तरह उड़ाई जाएगी जैसे कोई फेरी वाला अपने खांचों पर से झाड़ों नुमा मोछल से मक्खियां उड़ा रहा हो। चारपाई पर सूखने के लिए अनाज फैलाया जाएगा जिस पर तमाम दिन चिड़िया हमले करती, दाने चुगती और गालियां सुनती रहेंगी। कोई तकरीब, कोई तो बड़े पैमाने पर चारपाई पर आलू छिले जाएंगे। मुलाजमत में पेंशन की करीब होते हैं तो जो कुछ रुखसत जमा होती रहती है उसको लेकर मुलाजमत से सबक दोष हो जाते हैं। इस तरह चारपाई पेंशन की करीब पहुंचती है तो उसको किसी काल कोठरी में दाखिल कर देते हैं और उस पर साल भर का प्याज का जखीरा जमा कर दिया जाता है। एक दफा देहात की एक मेजबान ने प्याज हटाकर उस खा कसार को ऐसी ही एक पंशन याफ्ता चारपाई पर उसी काल कोठरी में बिछा दिया था और प्याज को चारपाई के नीचे इकट्ठा कर दिया गया था। इस रात को मुझ पर आसमान के इतने ही तबका रोशन हो गए थे जितने सारे प्याजों में छिकल थे और वो यकीनन 14 से ज्यादा थे। चारपाई एक अच्छे बक्स का भी काम देती है। तकिए के नीचे हर किस्म की गोलियां जिनके इस्तेमाल से आपके सिवा कोई वाकिफ नहीं होता, एक आधा रुपया, चंद देले पैसे, स्टेशनरी किताबें, रिसाले, जाड़े के कपड़े, थोड़ा बहुत नाश्ता, नक्शे सुलेमानी, फहरसत दवाखाना, समन जाली वे दस्तवीज के कुछ मसूदे, ये सब चारपाई में आबाद मिलेंगे। मैं एक ऐसे साहब से वाकिफ हूँ जो चारपाई पर लेटे लेटे उनमें से हर एक को उजाला हो या अंधेरा उस सेहत के साथ आंख बंद करके निकाल लेते और फिर रख देते, जैसे हकीम नाबीना साहब मरहूम अपने लंबे चौड़े बक्स में से हर मर्ज की दवाएं निकाल लेते और फिर रख देते थे। हुकूमत भी चारपाई ही पर से होती है। खानदान के कर्ता धरता चारपाई ही पर विराजमान होते हैं, वहीं से हर तरह के अहकाम जारी होते रहते हैं।
और गुनाहगार को सजा भी वहीं से दी जाती है। आलाते सजा में हाथ पांव जबान के अलावा डंडा जूता तामलोट भी है, जिन्हें अक्सर फेंक कर मारते हैं। ये इसलिए कि तौफीक करने में गुस्से का तावमदम ना पड़ जाए और इन आलात को मुजरिम पर इस्तेमाल करने की बजाय अपने ऊपर इस्तेमाल करने की जरूरत ना महसूस होने लगे। चारपाई ही खाने का कमरा भी होती है। बावर्ची खाने से खाना चला और उसके साथ 5-7 छोटे बड़े बच्चे, इतनी ही मुर्गियां, 2-1 कुत्ते बिल्ली और बेशुमार मक्खियां आ पहुंची। सब अपने करेने से बैठ गए। साहिब खाना सदर दस्तरखान है। एक बच्चा ज्यादा खाने पर मार खाता है, दूसरा बदतमीजी से खाने पर, तीसरा कम खाने पर, चौथा ज्यादा खाने पर, और बकिया उस पर कि उनको मक्खियां खाई जाती हैं। दूसरी तरफ बीवी मक्खी उड़ाती जाती है और शोहर की बदजबानी सुनती और बदतमीजी सहती जाती है। खाना खत्म हुआ, शोहर शायर हुए तो हाथ धोकर फिक्रे सुकून में चारपाई ही पर लेट गए। कहीं दफ्तर में मुलाजिम हुए तो उस तरह जान लेकर भागे जैसे घर में आग लगी है, और कोई मजहबी आदमी हुए तो अल्लाह की याद में किलोले करने लगे, बीवी बच्चे बदन दबाने लगे। चारपाई हिंदुस्तान की आबो हवा, तमदन, मुआशरत, जरूरत और इजाद का सबसे भरपूर सबसे भरपूर नमूना है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के मानंद ढीली ढाली, शिकस्तहाल, बेसरो सामान, लेकिन हिंदुस्तानियों की तरह गालिब और हुक्मरा के लिए हर किस्म का सामान राहत फराहम करने के लिए आमदा कूच और सोफे की दलदलादा और ड्राइंग रूम के असीरास राहत व्याफियत का क्या अंदाजा लगा सकते हैं जो चारपाई पर मैसर आती है। शेराने इंसान की खुशी और खुशहाली के लिए कुछ बातें मुंतखब कर ली हैं, मसलन सच्चे दोस्त, शराफत, फरागत और कोशिया चमन। हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए ऐश व फरागत की फहरस्त उससे मुख्तसर होनी चाहिए। मेरे नजदीक तो सिर्फ एक चारपाई इन तमाम लवाजम को पूरा कर सकती है। ये है रशीद अहमद सिद्दीकी। तो यहाँ पर हमारे आज 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। पहला पहला हमने पढ़ा था सैयद अहमद खां का, और दूसरा हमने पढ़ा रशीद अहमद सिद्दीकी का। ठीक है, क्लियर है? हाँ, मैंने नाम नहीं लिया चैप्टर का, बट मैंने बोला हमने किन का पढ़ा इंशाइया, सर सैयद अहमद खां का इंशाइया और रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया। सर सैयद अहमद खां का इंशाइया गुजरा हुआ जमाना और रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया चारपाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आज 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। कल हम वापस से 2 चैप्टर करेंगे। ठीक है, और जो भी परेशानियां आप एक बार सर को बोल दीजिएगा, मैं भी अपनी तरफ से बोल दूंगी। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हुआ हो, कोई दिक्कत। वो डेट्स याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जो हालात जिंदगी स्टार्टिंग में दे रखी है इंशाइये स्टार्ट होने से पहले, वो इम्पोर्टेंट है। और एनसीईआरटी में जो आप पढ़ेंगे वो आंसर आप कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग तारीखें दे रखी होती हैं, पर सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट जो है एनसीईआरटी को माना जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास सिर्फ इतनी ही। कल मिलते हैं सेम टाइम पर 5 बजे।